मानो ऑडियो की तरफ से हमारा नया माइक, पॉडकास्ट माइक, और चिल नहीं है। हाँ बस बस, अब आगे का सीन आगे वीडियो में देखो, पहले पूरा व्लॉग तो देख लो। वापस से स्वागत है एक और होम व्लॉग में। इस बार मैं घर पे व्लॉग शूट करने वाला हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि नहीं जाने का मैंने सिंपल सीधी सी बात। और आज कुछ कुछ सामान भी आने वाला है जो सब दिखाएंगे कैसे कैसे पॉडकास्ट चीज़ों का यूज हुआ करता है। पॉडकास्ट एक वर्ड यूज़ किया इन आगे इस वीडियो में पता चलेगा क्यों यूज़ किया मैंने। अभी देखो आँख भी सही से नहीं खुली है, सुबह सुबह का समय, थोड़ा ब्रश वगैरह किया जाएगा, उसके बाद कुछ करना है। तो चलो हम लोग यहाँ के मिलते हैं। वन टू नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं। अब जाना है दूध लेने। दूध लेने के बाद फिर अपना जो अपना काम कर रहा हूँ एडिटिंग वगैरह का, कैन ले लिया मैंने एडिटिंग वगैरह का, सब काम करेंगे आगे आके। बताना था आपको कि प्यार कर रहा हूँ क्या मैं, आप इसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको अपडेट मिलेगी इसके करीब इस मंथ के एंड और अगले मंथ के मिडिल में, शायद आपको कुछ जानने को मिले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट अभी तो कुछ ऐसा मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैं होम व्लॉग कर रहा हूँ कि आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैं अपना दिनचर्या या डेली लाइफ इंजॉय करता हूँ या जो काम करता हूँ मैं अपना यहाँ पे अभी वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ से बस तुरंत दूध लेने जाना है, दूध लेके फिर आना है। दूध आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट होगा, 9 बजे से फिर अपना काम स्टार्ट होगा। तो आपको उसका भी टाइम लैप्स दिखाते हैं। तो चलो अभी दूध लेने चलते हैं। 1 2 3 तो अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा 7:15 के आसपास हो रहा होगा। एक मिनट को देख लेता हूँ मैं। तो 7:19 हो रही है अभी, तुम देख सकते हो, नहीं दिखेगा अभी सनलाइट है वो। 7:19 हो रही है और आज मेरा एक पार्सल भी आने वाला था, वो एक माइक्रोफोन अभी बता देता हूँ। उसका भी देखा जाएगा कैसा उसका वॉइस वो रिकॉर्ड करता है। टेक चैनल था नहीं हम लोग का, व्लॉगिंग चैनल है। वैसे हम व्लॉग वगैरह बनाते रहते, बाहर कुछ जान नहीं रहा था कि मैं सिटी वगैरह, अभी लॉकडाउन है ना इधर वेस्ट बंगाल में, तो कहीं जान नहीं रहा था। तो जब घर पर बैठ कर कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं तो ट्राई किया हूँ बनाने का, घर पर बताना कैसा बन रहा है। और ये भी देख के बताना आगे कि सेटअप कैसा है। सेटअप तो पिछले वीडियो में बताया, कमेंट वगैरह नहीं किया, तुम लोग बहुत बदमाश हो गए हो, कमेंट वगैरह नहीं करते हो। कर दिए क्या यार, मेहनत लगती है, अच्छा लगता है। वीडियो शूट करने में तो टाइम लगता है, ये ऊपर से एडिट करना पड़ता है 4 घंटा बैठ के, वो अलग दिमाग उसमें अलग खपता है। और उस पिछले वीडियो में तो फेस ब्लरिंग करना पड़ता था, बैठ कर ट्रैकिंग करते रहो। चलो अब डायरेक्ट उसी टाइम मिलते हैं जब हम अपना वर्क वगैरह स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा छत पर घूमते फिरते हैं, उसके बाद आगे मिलेंगे। थोड़ा इधर का व्यू देख सकते हो, बहुत अच्छा है। और नहा धो कर तो मैं फ्रेश हो चुका हूँ सुबह सुबह 7 बजे। अभी इधर वेस्ट बंगाल में सब का मॉर्निंग 7 बजे नहीं होता है, 8-9 बजे तक लोग उठते हैं इधर, अभी नहीं उठते हैं, डिले ट्रेन होगा समय। तो अगर कोई नहीं दिखेगा, थोड़ा वो जो जिम वगैरह करते हैं वही लोग दिखेंगे, और कोई नॉर्मल लोग नहीं दिखेंगे। तो चलो मिलते हैं आप 9-10 बजे के आसपास, 9 बजे। तो सुबह के 12 बज रहे अभी, तो मैंने अपना खाना वाना सब खा वो लिया, फिर अपना काम करने बैठा। सुबह से काम ही कर रहा था, अभी खाना खाया हूँ और इसके बाद भी काम ही करना है, बहुत सारा अभी बाकी है। मैं अभी इलस्ट्रेटर सीख रहा हूँ, क्योंकि इलस्ट्रेटर की थोड़ा मुझे ज़रूरत है वेक्टर आर्ट्स का, इसके लिए कुछ फाइल्स वगैरह डाउनलोड किया है मैंने, सीखते हैं देखते हैं। और
कहाँ से सीखना है, किसी को सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा कि जिस कोर्स से मैं सीख रहा हूँ दो कोर्स सिखा दे दूँगा। सीखने का मन हो वैसे पढ़ना, हिंदी में रहेगा इंग्लिश में रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका पैसा नहीं लग रहा है। ये सब ऑनलाइन लर्निंग के लिए कोई पैसा नहीं लगता, पहली बात तो जो देते हैं लोग अभी एडवांस के लिए लगता है, बट बिगिनर्स के लिए एडवांस ही आजकल फ्री में सीख सकते हो। एडवांस तक क्या अपना प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस करते जाओगे अपना ज़्यादा तुम अपने आप में परफेक्ट होते जाओगे। इसमें कोई तुम कोर्स करके परफेक्ट नहीं हो सकते, कोर्स करके परफेक्ट हो जाओगे, चाहे वो एडिटिंग हो या कोई भी काम हो। परफेक्ट तुम्हें तुम्हारा हैबिट्स और तुम्हारा माइंडसेट ही बनाएगा, जो तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। पूरे सब ज्ञान की बात है, और मैंने अभी खाना वाना खा लिया, तुम्हें बताया माइक को आने में भी देर है, उसके बाद अनबॉक्सिंग तुम्हें दिखाएंगे हम, क्या बताना कैसा लगेगा। इतना एक्साइटमेंट हो रही है लिया मुझे कि अभी आएगा, अब आएगा, अब आएगा। होती है स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट होती है। मेरे पास अभी दो माइक है, एक यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने, फिर इसमें यहाँ पर छोटा सा माइक लगा रखा, और एक बोया का माइक होगा ये रहा। इस माइक से मैं अपना व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, अभी तो हेडफोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, अब एडिटिंग वैसे हो जाता है लेता हूँ। बट जब बेस वगैरह ट्रे रिकॉर्ड करना रहता है तब एक पॉडकास्ट माइक की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। ये तो मैं सिर्फ अपना व्लॉगिंग चैनल पर, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा होगा, बोला तो अभी दिखाऊंगा। और 1 मंथ 2 मंथ रुको, अभी रुको, सब्र करो। हाँ, जो खोज सकते हैं इंटरनेट पर खोज दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहाँ खोजना खोज सकते हैं, पूरा छूट है। चलो अब डायरेक्ट जब माइक आता है तब मिलते हैं, नहीं तो जब तक वेट करो। अपना काम करते करते सो गया था, थोड़ा बेड पर जाकर फिर काम बन नहीं लगा, फिर इधर जाकर सो गया। थोड़ा कैमरा सेटअप कर लिया हूँ और पार्सल मेरा आ चुका है, चलो पार्सल को अनबॉक्स करते हैं, दिखाते हैं कि कैसा माइक वगैरह है। तब तक मैं थोड़ा कैमरा कार्ड खाली कर देता हूँ, तब तक कुछ देखो। ये हमारा पार्सल आ चुका है, उसका बहुत उठा पटक थी, यहाँ कभी टेक बर्नर बन जाएंगे हम, पर वो नहीं बन सकता, सस्ता है, अपनी बेइज्जती खुद करवा। बात करते करते अनबॉक्स कर लिया जाए अपना फेवरेट माइक का। कहाँ से खुलोगे तो तुम? तो बाई मिस्टेक हम लोग उल्टा फाड़ने लगे थे, वो लोग सीधा कर, हम लोग ने कट किया, सो चुका है कैसे बॉक्स, सस्ता एक्सपीरियंस। मौनो ऑडियो की तरफ से हमारा नया माइक, पॉडकास्ट माइक, और सील नहीं है यहाँ, पता नहीं क्यों नहीं सील है। हेलो, अनबॉक्स किया तो उसके ऊपर एक होम है, उसके बाद एक और एक होम की बात करते हैं। ये इसका हॉर्च, क्या बोलते हैं इसको, सिंगर तो है नहीं, माउंट कहता है फिर इसी। इसके साथ ये हमारा यूएसबी टाइप बी केबल, ये बहुत इसका विंड फिल्टर है ना, इसका टोपी है, इसका टोपी है। ये हमारा बहुत ही प्रीमियम माइक, ये सिर्फ आगे से आवाज़ लेता है, पीछे से आवाज़ नहीं लेता है। अभी आवाज़ शायद उतना अच्छा नहीं आ रही होगी, नहीं पता क्या हम सुन तो नहीं रहे हैं अभी। और इस माइक का यूज करके अभी भी इस वीडियो में आपको बताइए कैसी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो उसको हम लोग उसके अपने नया है तो डिब्बा में पूछते हैं। उसके बाद ये इसका बेस का स्टैंड मेटल का है, ये भी कैसे मेटल और बहुत मस्त क्वालिटी का, देख सकते हो ऊपर से फोकस कर लेगा आप बढ़िया चला है। इसके बाद स्पॉट आते हैं, तो इसमें अभी ये हमारा कोरोना भगाने वाली दवाई, तो बहुत छोटा सा पॉप फिल्टर, मेरे पास तो एक बड़ा सा पॉप फिल्टर है, जब मेरे वीडियोस में देखता हूँ कभी कदर, जो मैं दूसरे माइक्स पर लगा के यूज करता हूँ, तो वो भी माउना का ही है, अजीब सा नाम है माउना, माउना कभी हवेली बताते हैं माउना। और ये छोटा सा अच्छा सा डीलक्स में यार। फिर इसका ये निकल जावे, बहुत हैवी स्टैंड है, तो बहुत हैवी, इसका करीब 1.5 kg तो वेट होगा, मार दे सर पुल से
तो देखो ये है इसका बेस स्टैंड। एक मिनट में अपने पार्टनर को पढ़ो देखते कैसे बिट क्या है भाई मेटल है मेटल मेटल कोई कोई चीज में तब इसको हम लोग इस पे लगाते हैं, सेटअप कर देता हूँ यहीं पे। टोटल लेंथ इसका इतना है, इतना बड़ा हो जाता है ये नीचे से। चलो एक बार का इसको हम सेटअप पे ले जाकर आपको दिखाते हैं। पास दिखा देता हूँ, ये हम लोग का माइक, पॉडकास्ट एंड गेमिंग प्रोफेशनल माइक, उतना ही प्रोफेशनल नहीं है। चलो सेटअप करते हैं। मैंने बोला था कि पहले से भी मैं ये यूज करता हूँ पॉप फिल्टर, ये थोड़ा उससे बड़ा है। डिवाइस इज रेडी, यूएसबी कंडेंसर माइक, वाह। हाँ तो मनस कर लो, आज ही इतना पूरा बिल्डिंग बना देना, बुर्ज खलीफा यहीं पर बनेगी आज। साउंड सेटिंग, हेलो, या बहुत बहुत ही मस्त आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे, मज़ा आ गया, कभी स्वाद मिल गया। बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि पंखा बंद करके वीडियोस बनाना पड़ता है, तो एसी क्यों नहीं चालू करेंगे, एसी क्यों नहीं चालू करेंगे जब पंखा बंद गुजरते। तो रुको एक मिनट रुको। चलो बताओ अब देख के कि तुम्हारा ये जो मैंने अपना लिया है नया माइक्रोफोन, इसमें तुम्हें आवाज़ कैसी आ रही है मेरी, सुन रहे हो अभी पहले क्या आवाज़ का रिव्यू करूँ। बाहर हम लोग को बुर्ज खलीफा बन रही है, नहीं इंडिया में बन रही है, दुबई में नहीं, इंडिया में तो समझना। माइक का क्या भी टेस्टिंग हो सकता है यहाँ पे, तुम खिड़की इतना बड़ा सा फोम लगा के रखेंगे या नहीं, फोम लगा के पूरा पैक कर दो, इतना तो है नहीं। मतलब छोटा मोटा वीडियो क्रिएटर मैं कहाँ से अपलोड करेंगे। बस अभी के लिए इतना ही, आगे आप शाम को मिलते हैं। तो देखो भाई लोग यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं हम, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं छः बज रहे हैं शाम के। अब मुझे थोड़ा मार्केट वगैरह जाना है, थोड़ा जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, वो सब ब्लॉग मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, ये होम ब्लॉग था इसमें सिर्फ घर का ही ब्लॉग, बाहर का कुछ नहीं। वापस सब मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, यहीं पर एंड करते हैं, कोई आउटर वगैरह नहीं, सीधा बाय। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जानते हो वीडियो बनाने में दिन भर बैठ के 4 घंटे एडिट अलग से, तो इसलिए लाइक करोगे सपोर्ट करोगे तो आमदनी होगी तो अच्छा लगेगा यार, लाइक कर दिया करो, बाय।